हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे गवार आलू मटर की सूखी सब्ज़ी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स। ये हमने 200 ग्राम गवार ली है, जिसे हमने इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। एक कप मटर ले लिया है, एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है जिसे इस तरह से बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक दो मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और 8 से 10 कड़ी पत्ता लीव्स, आधा कप हरा धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च ली है और 7 से 8 लहसुन की कलियां ली है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक एज़ पर टेस्ट। ये देखिए, हमने धरधरा इसे पीस लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन को। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम उसमें ज़ीरा ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ चुटकी भर हींग ऐड कर लेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए स्टर कर लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे और प्याज को हम लाइट पिंक होने तक भून लेंगे। ये देखिए, प्याज को मैंने लाइट पिंक होने तक भून लिया है। अब हम इसमें कटी हुई गवार ऐड करेंगे। और साथ में मटर ऐड कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसी तरह से भून लेंगे। दो से तीन मिनट भूनने के बाद हम इसमें कटे हुए आलू ऐड कर लेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए, मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें जो हमने धरधरा पेस्ट बनाया था, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया का, वो ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो क्रशर में क्रश भी कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे। टमाटर ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। साथ में पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। और लगभग 2 मिनट तक हम फिर से इसी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, 2 मिनट अच्छे से हमने भून लिया है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास से ज़्यादा पानी ऐड करेंगे, मतलब मैंने यहाँ पर 1/4 ग्लास पानी ऐड किया है, थोड़ा सा और ऐड करूँगी। टोटल मैंने 1/4 ग्लास पानी ऐड किया है। अब हम ढक्कन ढक लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि पानी सूख जाए। ये देखिए, 7 से 8 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाया है और हल्का सा पानी बाकी है, उसे भी हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे और पूरा पानी ड्राई कर लेंगे ताकि हमारा भाजी अच्छी तरह से पक जाए। और देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे रोटी, पराठा या प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। और आपको मेरी ये
रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।